सब्सक्राइब करें बी न्यूज़ को और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, बी न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे गोरखपुर की सुप्रसिद्ध एकमात्र मंदिर गोरखनाथ की, जहां से वर्तमान समय में मठ अध्यक्ष श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी आज उत्तर प्रदेश के सीएम है। गोरखनाथ मंदिर, खास बात यह है कि यहां योगी साधु महात्मा आकर यहां शिक्षा लेते थे। और इस मंदिर की खास बात यह भी है, इस मंदिर का जो मठ अध्यक्ष होता है वही गोरखपुर का सांसद भी होता है। आइए जानते हैं विस्तार से इस मंदिर की पूरी इतिहास। गोरखनाथ मठ नाथ परंपरा में नाथ मठ समूह का एक मंदिर है। इसका नाम गोरखनाथ मध्ययुगीन संत गोरखनाथ सी 11वीं सदी से निकला है, जो एक प्रसिद्ध योगी थे जो भारत भर में व्यापक रूप से यात्रा करते थे और नाथ संप्रदाय के कैनन के हिस्से के रूप में ग्रंथों के लेखक भी थे। गोरखनाथ मंदिर का इतिहास नाथ परंपरा गुरुवार मत्स्येंद्रनाथ द्वारा स्थापित की गई थी। यह मठ एक बड़े परिसर के भीतर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोरखनाथ मंदिर उसी स्थान पर स्थित है जहां वह तपस्या करते थे और उनको श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए यहां मंदिर की स्थापना की गई थी। संत गोरखनाथ के नाम पर है गोरखनाथ मंदिर। गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर गुरुवार गोरखनाथ के नाम पर रखा गया, जिन्होंने अपनी तपस्या के सबक मत्स्येंद्रनाथ से सीखे थे, जो नाथ संप्रदाय मठ का समूह के संस्थापक थे। अपने शिष्य गोरखनाथ के साथ मिलकर गुरुवार मत्स्येंद्रनाथ ने हठ योग स्कूलों की स्थापना की, जो योग अभ्यास के लिए बहुत अच्छे स्कूलों में से माना जाता था। गोरखनाथ जी की समाधि है यहां गोरखपुर में। गोरखनाथ मंदिर नाथ योगियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। मंदिर योग साधना तपस्या और गुरुवार गोरखनाथ के ज्ञान का प्रतिनिधि है। यह माना जाता है कि समाधि मंदिर और गोरखनाथ जी की गद्दी गोरखपुर में इस प्रसिद्ध और लोकप्रिय मंदिर के अंदर स्थित है। गोरखनाथ जी की समाधि है यहाँ मंदिर पूर्वी उत्तर प्रदेश तराई क्षेत्र और नेपाल में महत्वपूर्ण मान्यता है। इस लोकप्रिय मंदिर और गुरुवार गोरखनाथ के साथ जुड़े कथा का एक यह चमत्कार है कि जो भी भक्त गोरखनाथ 40-12 बार जप करता है वह दिव्य ज्योति या चमत्कारी लौ के साथ ही धन्य हो जाता है। कई बार हुई मंदिर की संरचना, मंदिर के रिकॉर्ड में यह पता चला है कि गोरखपुर गोरखनाथ मंदिर की संरचना और आकार समय की अवधि के साथ साथ तब्दील हो गया था। वास्तव में सल्तनत और मुगल काल के शासन के दौरान इस मंदिर को नष्ट करने के लिए कई प्रयास किए गए थे। कई बार हुई मंदिर की संरचना, पहले यह अलाउद्दीन खिलजी जिन्होंने 14वीं सदी में गोरखनाथ मंदिर को नष्ट कर दिया और बाद में इसे 18वीं सदी में भारत के इस्लामी शासक औरंगजेब ने नष्ट किया था। तथ्य यह है कि इसकी संरचना को दो बार नष्ट किया गया था। इसके बावजूद भी यह जगह अभी भी अपनी पवित्रता के लिए उसके महत्व और उसके पवित्र आभा रखती है। कई बार हुई मंदिर की संरचना, ऐसा कहा जाता है कि इसका रूप और आकार जिसमें इस मंदिर को आज देखा जाता है उसे 19वीं सदी की दूसरी छमाही में स्वर्गीय महंत दिग्विजय नाथ और वर्तमान महंत अवैद्यनाथ जी द्वारा अवधारणा किया गया था।